क्यों दिलवाते हो? मैंने कहा जैसे बच्चों को मम्मी पापा भी पटाते हैं ना, बेटा मान जा मैं चॉकलेट दूंगा, मैं कुल्फी दूंगा, मैं मिठाई दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे भांजे भांजी पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि पढ़ो, इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ जाए। और एक बात और सुनना, अब तो मैंने मेडिकल कॉलेज पन्ना में खोलने का भी फैसला कर लिया है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में, सुन रहे हो ना मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों सुन रहे हो, तुम्हारा मामा कह रहा है तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज IIT IIM लॉ कॉलेज कहीं भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 14 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। अपन जमाना बदलने निकले हैं रे, वो जमाना गया कि जिसके पास पैसा होगा वो ही पढ़ेगा। अब तो धन्नू बनना कल्लू लल्ला बनना है, जुम्मन के बेटा बेटी भी पढ़ेंगे। ये अपनी सरकार, परिवार है परिवार, और जिंदगी बदलना है। और ये लाडली बहनाओ, रसोई गैस का कनेक्शन जो सिलेंडर है वो भी 450 रुपया में दूंगा। और एक बात और सुनना ध्यान देना, अभी गांव के लिए योजना बना दी, ज्यादा टाइम हो गया, शहर के लिए भी योजना बना रहा हूँ। 2-3 बातें और कह दूं जो मैं करने वाला हूँ। नंबर एक, हमारा संकल्प है हर गरीब के पास अपना रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं बताओ, ऐसे मरी खुरी आवाज में नहीं, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। तो सुन लो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बन गई, अध्यक्ष की फार्म भरवा रहे हम। कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाने के पैसा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, हर परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार बच्चों को पलायन नहीं करने दूंगा। ये अगला 5 साल के लिए संकल्प है, एक रोजगार, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देना हो, मुख्यमंत्री जी को कमा योजना हो, एक रोजगार तो परिवार में दे के रहेंगे बहनों और भाइयों, ताकि हमारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना रहे। मध्य प्रदेश बदलना है। आप बताओ, जितने विकास के काम हमने किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? क्या किया कांग्रेस ने? 7 साल में कंकर नहीं लगाया। और बुजुर्गों याद करो, बच्चों तुम तो मामा के राज में पैदा हुआ, तुम्हें तो पता ही नहीं है, देवेंद्र नगर से पन्ना जाने में गाड़ी और हड्डी दोनों टूट जाती थी पहले। अरे सही बात है कि नहीं? बताओ ना, रोड ना बिजली ना पानी, अब तो सिंचाई का पानी भी। और मेरी बहनों, घरों में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछाएंगे, गांव में टंकी बनाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आएगा और गुनगगरा सब भर जाएगा। मेरी बहन, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और इसलिए हमको बदलना है हमारे विधानसभा क्षेत्र को भी, बदलना है गुन्नौर को भी, बदलना है देवेंद्र नगर को भी। और बदलने में सक्षम कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब बताओ, आप सबको हम तो विश्वास है, अरे जोर से बताओ विश्वास है। मेरे बहनों और भाइयों, आज अपील करने आया हूँ, कांग्रेसियों के चक्कर में मत आ जाना। ये जय और वीरू की जोड़ी मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं कह रहे, कह रहे ये जय वीरू की जोड़ी है। जय वीरू, इनका जय वीरू तो जेल से निकले थे, हरकत करते थे, जेल जाते थे और वापस आते थे।
ये जयगुरु की जोड़ी भला कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, ये भला नहीं कर सकते। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाओ। मामा पे विश्वास है तो कमल के फूल की बटन दबाओ। राजेश वर्मा हमारे जाने पहचाने देखे परखे समाज सेवी उम्मीदवार है, इनको आपका आशीर्वाद दीजिए। बोलिए राजेश को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। तो चुनाव अब केवल कार्यकर्ता नहीं, पूरी जनता लड़ेगी, आप सब लड़ोगे। बोलो तैयार हो तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जुटाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब यहां से बाई रोड जाना पड़ेगा तो अध्यक्ष जी जल्दी जाने दो, क्योंकि अभी रह गांव में इंतजार कर रहे हैं लोग, फिर सतना में रोड से जब 5 मिनट ले लो।